कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी 5वां चौथा एनसीईआरटी का चौथा प्रश्न है ये। समांतर श्रेणी ऋण 6 ऋण 11/2 ऋण 5 डेस डेस के कितने पदों का योगफल ऋण 25 है। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर जो दी गई कंडीशन है हल में हम लिखते हैं, क्योंकि क्या दी गई श्रेणी, सबसे पहले हम दी गई श्रेणी को लिखेंगे। तो दी गई श्रेणी का पहला पद है ऋण 6, दूसरा है ऋण 11/2, तीसरा है ऋण 5 डेस डेस। ये काहे में एपी में है, ये एपी में है मतलब क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन मतलब समांतर श्रेणी। ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर अगर हम समांतर श्रेणी का पहला पद देखें तो ए बराबर इसे कितना है ऋण 6। डी देखें मतलब दूसरे में से पहले पद को घटाना, ऋण 11/2 में से ऋण 6 को क्या करना घटाना। तो 6 तो धनात्मक हो जाता है, 11/2 ऋणात्मक हो जाता है, तो 6 × 12 और ये हो जाएगा कितना 1/2। किसका मान? सर्वांतर का मान। क्योंकि हम जानते क्या जानते समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के कितने n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का यदि योगफल निकालना हो तो उसका जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से SN बराबरी से n/2 ब्रैकेट में हम लिखते 2A प्लस n-1 × d। इस फार्मूले की सहायता हम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी है वो क्या दी है कि कितने पदों का योगफल 25 होगा, ऋण 25, कितने पदों का योगफल ऋण 25 है, ठीक है। और हमारे पास मान ध्यान दो, हमारे पास a का मान है ऋण 6, डी का मान है 1/2, तो हम n का मान बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम नहीं जानते कि कितने पदों का योगफल ऋण 25 है, लेकिन SN की जगह पर क्या लिख लिया 25। n को ज्ञात करना है, n को क्या करना है ज्ञात करना है। 2 a की वैल्यू हम में से सब जानते कितनी है ऋण 6 धन, n को नहीं जानते ऋण 1, लेकिन d को जानते कितना 1/2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए 25 इसके बटे के 2 को भी अगर हम बाहर निकालें तो 2 × 4 और 25 × 4 कितना ऋण 100। ये 2 और ये 2 दोनों का गुना 2 × 4 25 × 4 100 बराबरी से n/2। अब इसके बटे में 2 तो था नहीं, तो 2 का 2 से क्या हो जाएगा गुना, तो 2 × 4 4 × 6 = 24 n/2 ऋण 24 धन n ऋण 1। कंडीशन को ध्यान से देखिए, यहाँ जो मान आएगा वो होगा ऋण 100 और ऋण 100 बराबरी से ऋण 24 ऋण 1 ऋण 25 n का n से गुना n स्क्वायर ऋण 25 n। ये ऋण 100 दाहिनी तरफ जाएगा तो धन 100। तो इसको हम एक वर्ग समीकरण के रूप में इसको बड़ी आसानी से हम ऐसा लिख सकते n स्क्वायर -25n+100 = 0। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करे तो 100 आए और जोड़े तो ऋण 25 आए, तो वो दो संख्या निश्चित है 20 × 25 100। तो हम इसको लिख सकते n स्क्वायर -20n-5n+100 = 0। पहले दो पदों से n को कॉमन लिया तो n-20, बाद के दो पदों से ऋण 5 को कॉमन लिया तो n-20। n-20 को यदि कॉमन निकाल ले तो क्या बचा हमारे पास n-5
इक्वल टू क्या, जीरो। तो कितने पदों का योगफल, तो यदि हम n रेड 5 बराबरी से शून्य ले तब n का मान होगा कितना, 5। या n रेड 20 इक्वल टू जीरो ले तो n बराबरी से 20। अतः n बराबरी से 5, 20। इसके 5 पदों का योगफल भी ऋण 25 होगा और 20 पदों का योगफल भी ऋण 25 होगा। क्यों? क्योंकि निश्चित है इसमें से कुछ पद धनात्मक होंगे और कुछ पद ऋणात्मक होंगे, और यहाँ पूरे के पूरे कैसे पद होंगे, ऋणात्मक। इसलिए दो प्रकार से यहाँ उत्तर आते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष का धन्यवाद।